मैं रूम से आया हूँ, पूरा वीडियो हो रहा है समझ के मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का विशेष जानी उधर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, मतलब मेमोरी नहीं था वहाँ पे। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हुआ है 6:21। देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा पाएंगे। हम लोग तो प्लानिंग किया बहुत दूर जाने के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। इस सफ़र में मेरे साथ एक दोस्त है, वो आगे है, हम लोग दो ही जाएंगे। अभी 2 किलोमीटर हो चुका है, कुछ भी नहीं खाया सुबह, तो मैं आज जहाँ पे जाने वाला हूँ वो अभी बोल देता हूँ कि मैं जोकू वैली जाने वाला हूँ। मैंने गाइड बुक देखा हूँ तो जो फ्रेश है, जो हम लोग का यहाँ से जितना भी राइडर है, जो आमने सामने वाला, मैं जितना तक मैं जानता हूँ, तो उन लोगों का वीडियो में कंप्लीट देखा हो, मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया है, तो मेरा कुछ भी आइडिया नहीं है। और मेरा जो दोस्त मेरे साथ जा रहा है आज, उसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा वहाँ पे। हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि आज जो भी हो लेकिन हम जाएंगे ही जाएंगे। तो आज जितना भी हो सके हम लोग सोच रहे हैं कि दिमापुर तक जाएंगे और शायद वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, नहीं तो वहाँ पे शायद जल्दी पहुँचने से हम लोग कोहिमा डायरेक्ट जाएगा आज ही। तो फिलहाल के लिए यही प्लान है, तो देखते हैं क्या होता है बाद में। इतना दूर तक छोड़ रहा है हम लोगों को, मिलते हैं आफ्टर 1 वीक के बाद। अच्छे से जाना तुम भी। क्या या थैंक यू। उसका चैनल भी आप लोग चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा उसका। वो भी ऐसा वीडियो मतलब ऐसे ही वीडियो नहीं डालता है, उसका भी मतलब कंटेंट थोड़ा यूनिक है जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कीजिए उसका चैनल भी। फ्यूल अप कर लेते हैं, मेरा आप लोग देख सकते हैं पूरा डाउन है, टैंकी फुल। कितना हुआ टोटल? 1270। वाह 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 वाह, कितना पिता है रही है, 1270। तो वैसे 15 का पिता है, 15 एंड हाफ। तो गाइस ये व्यू आप सब देख सकते हैं इतना मॉर्निंग में, वाह क्या। मुझे नहीं पता ये वीडियो हो भी रहा है ना नहीं हो रहा है, मतलब साउंड भी नहीं हो रहा है। ये जो नौगांव का रास्ता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है रे यहाँ पे राइड करके। मतलब बीच रास्ते में यहाँ पे इतना फुल 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 है पूरा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिल तो पूरा गार्डन गार्डन हो रहा है। गाइस ये देख सकते हैं आप, इतना सुंदर है इसका, मतलब रास्ता में भी कोई खराबी नहीं है, पूरा गार्डन ही गार्डन। अरे मैं जब भी कैमरा ऑन करता हूँ वो साला फुल नहीं होता है रे। गाइस हम लोग लगभग 30 किलोमीटर आ चुके हैं, तो हम लोग सोचा कि यहाँ पे चाय पी लेते हैं, थोड़ा भूख लग गया रहा, मुझे तो भूख लग गया पूरा। दोस्त मुझे बोल रहा था कि कितना किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो मैंने बोला कि 20-30 होगा पहले, तो बाद में बोला कि मैं लगभग 20 किलोमीटर, वो बोला कि इधर थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो मैं निकल के देखा हूँ 75 किलोमीटर तक हम लोग चले आया हूँ, मुझे लगा कि 20-30 ऐसा हुआ। गाइस ये राइड तो मुझे बहुत अच्छा लगा है रे, मैं 71 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ, मुझे लगा कि 20-30 किलोमीटर है। तो आप लोग सोच सकते हैं मेरा एक्साइटमेंट कितना है अभी। ये रोड देखो, अरे मैं जब भी वीडियो शूट लेता हूँ तो फुल खत्म हो जाता है बार बार, और मैं राइडिंग शूट घर में छोड़ के आया, तो ये पहनना पड़ा हमको, पूरा भीग गया ये। और हल्का सा बारिश भी दे रहा है, तो शायद उधर बहुत बारिश दे रहा है शायद अभी। गया तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो और ये मैं बाई चांस के लिए मैप लाया था, तो हम ये गुवाहाटी है और यहाँ से हम आया
और अभी हम नौगांव पहुंचने वाले हैं। नौगांव से हम ये जो रास्ता दिख रहे हैं ना, डिफो लामडिंग या तो नहीं है शायद, तो ये दो रोड है, एक उधर से है, उधर जाने से डॉक मौका मिलेगा और इधर मुझे से डिफो लामडिंग और कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो वहाँ पे हम लोग शायद हम लोग जल्दी पहुँचने से हम लोग सीधा आज ही कोई वहाँ पर स्टे करेंगे, जल्दी नहीं पहुँचने से हम लोग दीमापुर स्टे करेंगे आज। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पे मैप पे नहीं है, तो यहाँ पे है कोहिमा, तो इसके सामने इसके बीच में ही है जोको वैली, यहाँ पे नहीं दिखा है, तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा दिख गया है, तो यहाँ पे रुकते हैं उसको। ये निकल गया है मेरा, ये सारा बैलेंस 1200 रुपये लगता है, मतलब ये जो ये भी हैंडल रेगुलर का हैंडल नहीं है, एडवेंचर हैंडल, तो ये हैंडल के साथ ये बैलेंसर मिलता है, तो ये लेने से ये हैंडल लेना पड़ेगा आपको, ये हैंडल लेने से आपको ये बैलेंसर मिलता है। तो ऐसा बात हुआ है मेरा, ये हैंडल कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो इसको बैलेंस चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जहाँ पर मैं अभी तक बिना से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपको हैंडल लेना पड़ेगा तो फिर बैलेंसर आपको मिलेगा, ऐसे ही आपको मेरा ये तो कंपनी की जो हैंडल भी इतना खराब, ये हैंडल भी बोल दिया था, इसलिए मैं चेंज नहीं किया हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं लोगों पे, ऐसे ही आप लोगों को रास्ते में जितना भी व्यू मिलेगा आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, तो व्यू तो बहुत अच्छा है, मुझे आज बात करके बहुत मज़ा लगा है, और स्पेशली प्रांजल भी है मेरे साथ, तो मेरा राइड और भी फास्ट हो चुका है। तो यहाँ पे है 71 किलोमीटर कवर कर चुका था मैं, तो मुझे सिर्फ 30 किलोमीटर लगा था, तो आप लोग सोच सकते हैं मैं कितना आराम लगा है, आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हो। अभी अभी हुआ है शायद ये, ये स्पीड अभी मिल चुका है। इधर स्ट्रेट जाने से हम लोगों को ये लामडिंग लोंका वगैरह मिलता, और हम लोग इधर इधर से शॉर्टकट होगा थोड़ा, तो इधर से जाते हैं हम लोग, आने के वक्त पे उधर से आएंगे हम लोग, तो आज जितना हो सके उतना शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे, ताकि हम लोग आगे कोई ना पहुँच सके, इसलिए अभिजीत, हेलो अभिजीत, हेलो अभिजीत, अबे अभिजीत तू बहुत लोग पाइसु मैं तू बहुत मिस करिसु एटू राइडर और तोर फ्रेंड पाए आसु आरो मिस बेसी करिसु रे तू। लेकिन मुझे हमें हम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है ग्लिच हो गया मैप, इस रास्ते पे ही जा रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है हम लोगों को, बोलो ना ए चिंगदी मापुर मुनी ना मुनिया मुनिया बुझी दिंग ना मार दिंग अपनी अखों में बुझी भाई कि अखों में इफाले दीमापुर पाए ना पाए पाए नो क्या है ये रास्ता है क्या दीमापुर। तो हम लोग अभी बारिश होने की वजह से हम लोग जाकर पूरा रुके थे, तो हम लोग टाइम होने से सीधा कोहिमा चले जाएंगे आज भी, तो देखते हैं क्या पूछ के ये क्या है, ये काजीर रंगघमटी मेमोरियल इंस्पेक्शन बंगलो, और वहाँ पे है लॉन्गथोंग, सॉरी लॉन्गथोंग नहीं है लॉन्गी है। पूरा बारिश जा रहा है और मेरा दिल भी पूरा गार्डन गार्डन हो रहा है, तो कितने बजे में पहुँचेगा वो मालूम नहीं है, अभी से रास्ता बहुत खराब है, तो देखते हैं क्या होता है। ना क्या बोलते हो, रिव्यू क्या रिव्यू? ओ चला, ये हम लोग हैं कल
इमरजेंसी मतलब ग्लव्स चाहिए था, तो हम लोगों को टाइम नहीं था ना ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग डिकन लग गया था, तो ये ग्लव्स कर दिया था। हाँ ये देखो ना कितना 150 किलोमीटर चला है ना, ये फट चुका है। हम लोगों को भी पता है ये स्पोर्ट्स के लिए है, फिर भी तो ये हैंडल ही पकड़ा ना, तो जिम के लिए था वो। टाटा बाय बाय। फाइनली गेट पहुंच चुका हूँ मैं दिमापुर का। वेलकम टू दिमापुर नागालैंड। तो हम लोग फाइनली दिमापुर पहुंच गए, तो हम लोग का अभी 12:30 हुआ है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट कोहिमा जा सकते हैं आज ही। तो मतलब डायरेक्ट आज कोहिमा जाने से एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो अच्छे से घूम पाएगा वहाँ पे। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट कोहिमा में जाके स्टे करेंगे, अभी बहुत टाइम है। तो यहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक होता है रे बाबा, गुवाहाटी का जैसा ही है यहाँ पे भी। दिमापुर साइड बहुत भरा है, थोड़ा थोड़ा भूख भी लगा है। मैं तब से ढूंढ रहा हूँ होटल, एक भी होटल दिखाई नहीं दे रहा हमको। तो गाइस यहीं से हम लोगों का शुरू होता है हिल एरिया। वाओ स्ट्रेट, थैंक यू। ये क्यों काला हुआ है, ये किसी को पता है तो बिल्कुल बताना रे कमेंट सेक्शन पे। वो काला क्या बोलते हैं इसको, क्लोथ दिया है ताकि लैंडस्लाइड ना हो सके। अच्छा अच्छा, रास्ता में फ्यूल डालने के लिए थोड़ा देर रुका था वहाँ पे, लेकिन मेरा दोस्त मुझे क्रॉस कर गया, लेकिन मैं सोचा कि मैं उससे आगे हूँ तो इसलिए उसको रोका था। बाद में पता चला वो पहले ही पहुँच चुका है। वाओ 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 वाओ। रास्ता इतना अच्छा नहीं है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, इसलिए वहाँ का लोकल आदमी लोग बोला था कि बाइक से जा सकता है लेकिन कार से आप लोग आज कहीं मैं नहीं जा सकते, ऐसा बोल रहा था, तो शायद इसीलिए बोला था वो लोग। कोहिमा पहुंचने वाले हैं सिर्फ 15 किलोमीटर है अभी तक। गाइस मैं बता रहा था कि आप लोगों ने शायद पहले ही मेरा वीडियो देखा, वो जो एक्सटेंड होने वाला था, एक्चुअली मेरा बैटरी ज़्यादा नहीं था, तो मेरा गोप्रो क्यों ऐसा है पता नहीं, जब 30% होता है ना मेरा फोन तो अचानक ऑफ हो जाता है वीडियो होते होते। तो मैं अभी चेक किया, सिर्फ एक्सीडेंट जब होने मतलब होने जाने वाला था उतना तक ही रिकॉर्ड हुआ है, तो हमको इतना पता नहीं है। तो गाइस इसको गलत मत समझना, मतलब कस्टम से मेरा रिकॉर्ड सिर्फ उसी तक ही हुआ है, नहीं तो आप लोग को कंप्लीट दिखा पाता है। आप लोग अच्छे से देखो, हाँ मेरा गलती होने से आप लोग अच्छे से देखो। फोर लेन है तो देख सकते हैं, जब मैं चला रहा था उधर भी गाड़ी आ रहा था, जब क्या बोलते हैं उसको, मैं लेफ्ट लेन पे था ना तो राइट लेन पे दूसरा गाड़ी भी जा रहा था, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं किया, तो इधर से जा रहा था तो वो गाड़ी पूरा सीधा आ गया। तो अंकल को पूछा मैं, कोई बात नहीं अंकल ये रास्ता ख़राब था तो इसलिए ऐसा हो गया, तो अंकल भी थोड़ा गुस्सा हुआ है।
नहीं आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? वैन खराब है ना, तो इसलिए हम लोग ऐसा हुआ है। तो उसने आदमी था वहाँ पे, तो उस लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होगा, ये वैन खराब होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो इतना ही है, तो मैं सेफ हूँ और इंजॉय कीजिए। कोहिमा टाउन ओनली 4.4 किलोमीटर है, तो जाफामा 20 और तो ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, ओनली 4.4। अभी हम लोगों का एक महीने के बाद लॉन्च होने वाला है, इतना बड़ा फीस इस जीवन में एक बार ही देखा। फाइनली हम लोग कोहिमा पहुंच चुके हैं, तो आज यही पे स्टे करेंगे, रूम ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। सारा घर पहाड़ का ऊपर ही है रे, हम लोग पूरा टॉप में आ चुके हैं, लेकिन ऐसा फील नहीं होता है। जब नीचे देखता हूँ ना तब एहसास होता है। मतलब वाओ, थोड़ा व्यू देखो ना, व्यू। तो गाइस हम लोग होटल ढूंढ रहा था, तभी हम दोनों गुम हो गया था वहाँ पे, बाद में मिल गया। जब नहीं मिला था तो डर गया था मैं। आप सब देख सकते हैं, इतना फोगी हो गया था और रूम भी नहीं मिला था, बहुत ढूंढा हम लोग, लेकिन बाद में पता चला कि जहाँ पे हम लोग रुका था वहाँ पे ही रूम है। हम लोग को रूम मिल गया और रूम के अंदर आते ही ये देखा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे इतना टाइम रुका है, तो हम लोग यहाँ पे रह रहे के पूरा बोर फील हो रहा है। तो ये भाई यहाँ बोल रहा है कि चप्पल खरीदने जाओ, तो आगे चलते हैं ना, क्या बोलते हो? क्या था ये? ओ कोई मानो पूरा फोगी फोगी रे। हाँ, इधर थोड़ा इंटरनेशनल होटल रेस्टोरेंट। गाइस ये सोच रहा था, ये आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ। ये मैं सोच रहा था ये क्या है यार मेरे पॉकेट में, तो अच्छे से दिखाओ, ये रूम की है, ये रूम की का ये ये सिर्फ 5-star होटल में मिलता है। आप लोग फोन में देख पा रहे ना, नहीं पा रहे, नहीं पा रहे, लेकिन पूरा फोगी हो गया यहाँ पे। और हम लोगों का भाई गया था सैंडल खरीदने। क्या खरीद के लाया तुम अभी? लेकिन एक सेकंड सैंडल खरीदने गया था, लेकिन सैंडल खरीदने को नहीं मिला, तो हम लोग डिनर के लिए कुछ लाया। तो खाना नहीं खाएंगे आज, यहाँ का खाना पूरा स्पाइसी है, तो मैं ऐसा स्पाइसी खा नहीं सकता हूँ। तो ये जोकू मिली का जल्दी जल्दी ब्लॉग डालूंगा। तो थैंक्स वीडियो में मिलती है।